इमरान खान के हवाले से कौन सा बड़ा क्लेम किया है कि कासिम सुलेमानी की मौत पर इमरान खान ने ट्रंप साहब को क्या कहा था? पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का एक बार फिर सामना है तो क्या फिर कशकोल लेकर निकलना पड़ेगा? अहमद नूरानी की तस्वीर पर क्यों हंगामा बरपा है? और जैद हामिद साहब एक बार फिर एक्टिवेट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया आलिया शो। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इन्हीं खबरों पर बात करेंगे जो इसका मैंने जिक्र किया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी गूंज दूर दूर तक जाया करती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक पहुंचेगी, उनकी बात दूर तलक निकल चुकी है। हुआ कुछ यूं है कि वो ह्यूस्टन में अपनी इलेक्शन कैंपेन की एक रैली से एड्रेस कर रहे थे। आप जानते हैं कि आजकल वो अपने इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो ह्यूस्टन में उन्होंने बात करते हुए ये कहा, लोगों को बताया कि कासिम सुलेमानी कुछ फोर्स, ईरानी कुछ फोर्स के कमांडर जो कि ड्रोन हमले में, अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे, उस वाक़े पर इमरान खान ने ट्रंप को ये कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाक्य है। और ये सुनते ही उन्होंने कहा कि दैट इट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकेम द हेड ऑफ पाकिस्तान। ही सेड इट वाज द बिगेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई हर्ड दैट सुलेमानी वाज किल्ड। आई लेफ्ट माय ऑफिस, आई वॉक्ड टू माय होम, आई स्टेड इन माय होम इन सॉलिट्यूड फॉर वन वीक। इट वाज द बिगेस्ट इवेंट that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL player, a great baseball player. He was the said to be just about the best, handsome guy. He became the boss, Pakistan. He said, I left and I contemplated for 1 week. It was the biggest event of my life. I've never had anything like that happen. And many people felt like that. So my question is, Payan, is guthi ko ab kaun suljhayega ki Imran Khan कि ये खुशी के जज्बात थे या गम के जज्बात थे? खान साहब ने ट्रंप साहब को ये बात कहाँ पर कही, टेलीफोन किया, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उनसे मिले, मुलाकात में कहा, कहाँ पर कहा? और दूसरा ये कि ये उन्होंने अपने गम के जज्बात का इजहार किया, ये खुशी के जज्बात का इजहार किया? क्या आप समझ सकते हैं, आप इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? अब देखें, अमरीकी सदर को ये कहना कि ओहो मैं तो, मुझे गम इतना था, मैं तो मातम में चला गया और मातम में मैंने जो है वो पूरा एक हफ्ता मैं ऑफिस ही नहीं गया और मैं घर से ही नहीं निकला, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि जिन्होंने मारा है आप उनको तो कह नहीं सकते, इतने तो आप चुनने का के हैं नहीं कि आप उनको फ़ोन मिलाएंगे या आप उनको कहेंगे कि जी ये आपने क्या कर दिया, मेरी तो दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, मैं तो घर से नहीं निकला, मेरी तो ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सानिया था। हालांकि अगर गम के जज्बात थे ये, तो फिर तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया ये तो नहीं होना चाहिए था। खान साहब की ज़िंदगी में इससे पहले इससे बड़ा इवेंट नहीं हुआ। हालांकि एपीएस का जो वाकया था, जिस वक्त उनकी उसी वक्त शादी हुई थी रेहम खान से, वो ज़िंदगी का क्या, पाकिस्तान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाकया, सबसे बड़ा सानिया वो। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि उन्होंने इस तरह के जज्बात का इजहार किया, तो वो वाला तो ये क्या, इतना बड़ा सानिया उनके लिए क्यों था ये? अच्छा, हो सकता है हम ये कहें कि भाई वो मुस्लिम उम्मा का चक्कर आ जाता है और वो तो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर ही समझते हैं, सबसे बड़ा एमबीएस के करीब करीब, हो सकता है वो उससे बड़ा समझते हो। लेकिन आप अमरीकी सदर को ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। उनको तो जाहिर है कि वो तो एने तुसी, मतलब एने जोगे असी होंदे तो फिर की ही गल सी कि भाई हम उनके मुंह पर ये कहते हैं तुसी की किता है, ताड़ी असी दिता, असी एक ही कर दिता है, मेरा तो वो जो है वो लीडर था या मेरा आइडियल था जिसको आपने मार दिया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि खान साहब उनको ये कहेंगे, ट्रंप साहब को, हैं जी? तो फिर उन्होंने जो है उनको ये खुशी में ही कहा होगा। तो अब इतनी खुशी की कौन सी बात थी, मुझे ये भी नहीं समझ आ सकी, या गम की क्या बात थी? सर ये जो है ना, ये गुत्थी वो है जिसको वो खुद ही सुलझा सकते हैं। लेकिन मसला ये पड़ गया कि देखे ना, अब अगर खुशी के जज्बात में ये कहा है तो मुस्लिम उम्मा का ये लीडर जो है वो चुप करके फोन करके अमरीका को ये कह रहा है, पाइन बड़ा चंगा किता है, जरा तुसी काम किता है, तो मेरी तो जिंदगी में इससे बड़ा कोई काम ही नहीं हुआ, मैं तो खुशी के मारे जो है वो घर में एक हफ्ते तक मैंने मौजें मनाई है, मैं बाहर ही नहीं निकलेगा। तो सर क्या चक्कर है, इसको हम किस तरीके से लें? चलें जी, आप इसको जैसे भी लेना चाहें लें, लेकिन अब चलते हैं जरा एक और खबर की तरफ। तो देखिए, मसले मसाइल हमारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि बड़ी मुश्किलों से हमने, पाकिस्तान ने अपने आप को उस मसले से निकाला जिसमें आईएमएफ की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि जनाब हमें गारंटी चाहिए और आप जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे आप हमें गारंटी लेकर दें। फिर यूएई, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को पैसे दिए गए, रुपए दिए गए और कहा गया कि सर ये जो है ना,
तकिया पर रखें, किसी ने तेल दे दिया, किसी ने वो जो रिजर्व थे वो उसमें पैसा जो है वो रखा हुआ था वगैरह, इस तरह की चीजें गारंटी दे दी गई, हमें IMF से पैसा मिल गया। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान को एक बार फिर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसमें गैप का सामना है, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने एक बार फिर कशकोल पकड़ के सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके सामने हाथ फैला फैला के और झोली फैला फैला के और कशकोल रखने का तहैया कर लिया है, फैसला कर लिया गया पैन फिर करना पैन है। तो पैन ये जो जहाज भर भर के भिखारी उधर जा रहे हैं ना, है जी, तो इन्हीं को कह दें आपका नाम काम कर दें, ये वाला नाम रोशन करें मुल्क का इस तरीके से कि पाए जा तो रहे हो, वो लोग तो पहले ही तंग आए हुए हैं भिखारियों से, तो ये हुकूमत का काम करें, अपना काम अपने लिए भीख ना मांगे, कशकोल उनको पकड़ाएं, उनसे कहें जाओ हमारा काम करो जाके और ये इतने पैसे लेकर आओ। तो मसला ये है कि फिर से ये हालात वाकियात हो गए हैं और इसमें ये पता चला है कि इस्लामिक बैंक जो है उसने भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, जितने बैंक हैं दुनिया के उन सबसे मदद ली जाएगी। दर किसी को नहीं छोड़ना, कोई दर नहीं छोड़ना, हमने हर दर पे जाके हमने मांगना है, दर दर जाके हमने मांगना है। एक मरतबा फिर ये काम शुरू होने लगा और करंट अकाउंट खसारे में जो कमी है वो माली गैप कम होने का इम्कान है। हालांकि मैं देख रही थी कि जो वो है इंडेक्स और स्टॉक एक्सचेंज वो तो बड़े अच्छे उस पर पॉइंट्स पर मंद, कोई इस तरह की कल की खबरें आ रही थी। अच्छा जी, फिर ये कि कुछ $6 बिलियन टारगेट जो है उसमें जो है वो 3 मंथ्स में 94 करोड़ 70 लाख डॉलर जो डेफिसिट है और अंदाज़ा ये है गवर्नमेंट का कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $6 बिलियन से कम होकर कोई $4 बिलियन तक रह गया। तो फिर जब ये रह गया है, साथ साथ अच्छी थोड़ी खबरें दे देते हैं, तक कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, भाई बात ये है सिरे से आपके सामने बात है कि अब एक मरतबा फिर आप कशकोल पकड़ें और निकल पड़ें। जनाब एक तरफ ये सूरत हाल, तो वहीं पर जहां इतने बड़े मसाइल हैं तो वहां पर मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त इशू कौन सा चल रहा है कि अहमद नूरानी यानी कि जर्नलिस्ट जिन्होंने वो पापा जॉन्स वाला वो सारा स्कैंडल और वो सब कुछ सामने आया था, तो वो अब एक शराब की दुकान पर शराब बेच रहे हैं। अरे कितना बड़ा हमारे मुल्क का ये क्राइसिस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त ये। ओहो अहमद नूरानी, ओहो ये तो शराब बेच रहा है एक दुकान पर खड़ा। अच्छा अब किसी ने ये कहा भाई, उसके बाद जाहिर है कि जब वो तस्वीर किसी ने कर दी ट्वीट और उसके बाद उसके ऊपर कई तरह के मुझे रिएक्शन नजर आए, लेकिन जो बड़ा रिएक्शन एक ये था कि क्या हो गया, ये तो बड़ी इज्जत का काम है, बड़े एजाज की बात है कि वो ये कर रहे हैं। और दूसरा रिएक्शन ये था, लो जी ए करना सी, ए वेखो की हो रहा है, एने करना ही ऐसी शराबा बेचता फिर रहे हैं दुकान से शराब वगैरह वगैरह। तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी नजर में ये इज्जत या जिल्लत की बात है, आपकी नजर में ये या तो रुसवाई का काम है या बड़ा ही कोई एजाज का काम, लेकिन यहां पर जो तौर तरीके हैं और जो आम लोगों के रहने का तरीका होता है उसमें ना तो ये इज्जत का काम है, यानी ना तो ये एजाज की बात है बहुत, और ना ही इसमें कोई जिल्लत या रुसवाई की बात है, ये बिल्कुल आम सी बात है। क्योंकि यहां पर लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है वो रोटी कमाते हैं और उनके लिए जब यहाँ पर वैकेंसी निकलती है तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा जाता कि टॉयलेट साफ करने के लिए किसी मुसलमान या ईसाई का होना जरूरी है, उस पर फिरका मजहब नहीं लिखा जाता जिस तरह के आप लिखते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह वैकेंसी के साथ लिखा जाता है ना कि चूड़े की जरूरत है, यानी है कि किसी आप मुसलमान नहीं होना चाहिए बाकी सब होना चाहिए, वो जिन जिल्लत आमेज अल्फाज में लिखा जाता है याद रखा जाता है, यहाँ पर इस तरह की तफरीक नहीं है, यहाँ पर काम हो, ये काम है, ये काम करके आप अपनी रोजी कमा रहे हैं और आवरली डॉलर्स कमा रहे हैं और बड़ी अपनी जबरदस्त जिंदगी गुजारते हैं इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो बहुत कम हैं यहाँ पर होती हैं, ठीक है, और जो बड़े यहाँ पे यूथ भी और काफी लोग भी, भाई यहाँ के तो प्रेसिडेंट भी जब प्रेसिडेंट बनने से पहले वेटर्स का काम करते रहते हैं, ओबामा से लेकर कौन कौन है जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में काम ना किया, उसके बाद उनके बच्चे भी, यानी जब वो प्रेसिडेंट होते हैं उनके बच्चे भी प्रेसिडेंसी में रहे होते हैं तब भी वो इस तरह की जॉब्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ के वो चक्कर नहीं है, ना जिल्लत का काम है, ना रुसवाई का, ना एजाज का, ये आपकी जिंदगी चलाने का तरीके हैं, रास्ते हैं, आप जॉब्स करते हैं और इस तरीके से आप अपनी वो करते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये टके टके की हैं जी, जहाँ पे टके
जो रुपया है वो टके से नीचे जा चुका, वहां पे बातें अभी भी टके टके की। तो ये मतलब मैं देख रही थी वो तस्वीर पे, उनको बेचारे को पकड़ ही लिया, तुम ये कर दिया वो कर दिया। भाई उसने वो एक स्कैंडल ले आए थे, और जो इस तरह की वो करते रहते हैं तो ठीक है, साथ साथ वो अगर अपना काम कर भी रहे हैं, मुझे नहीं पता सही तस्वीर है नहीं है और वो कौन सी दुकान है कौन सी नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि जहां पर मुल्क के इतने बड़े मसाइल हों वहां पर ये डिस्कस हो रहा है। अच्छा, एक तरफ जहां ये डिस्कस हो रहा है उसी के साथ हमारे जो ज़ियाद हामिद साहब हैं जी, अब पता नहीं क्यों लाल टोपी वाले उनको कहते हैं, अक्सर वो लाल टोपी नहीं भी पहनते लेकिन लाल टोपी पहन के बड़े प्यारे लगते हैं, मैं आपको बता दूं, बड़े शीर जवान हैं जी, गोरा चिट्टा लाल गाल और वगैरह वगैरह। ऐसी मैंने कहा थोड़ी सी तारीफें भी कर दें, बुरा ना मान जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोग्राम में जो है ऐसी अलूल जुलूल, ऐसी ही घटिया किस्म की मतलब बातचीत हुई है कि मैं हैरान और परेशान रह गई कि इस दौर में भी हम इस चीज से बाहर नहीं निकल रहे। मतलब उन्होंने कहा हिंदुओं पे इंडिया पे, कि हमारा जो हमसाया है, मतलब उनका कहना ये है कि बदकिस्मती उनकी ये है, जैद हामिद साहब की बदकिस्मती ये है, उनका ये कहना है कि हमारा हमसाया जो हमें हमें ऐसा मिला है कि जो सारी काफी बुराइयां कर करके कि जो गाय का जो है वो पिस पीते हैं और पता नहीं क्या क्या ये वाली चीज है, तो कहते हम इनको जलाते रहेंगे और ये जलते रहेंगे। पहले मैंने कहा है कौन से जलाने की, क्या मतलब आग वाग लें, उनका मतलब ये कि साड़ते रहेंगे, पंजाबी में कहते मतलब ठीक है ना, वो जेलसी वो वगैरह का चक्कर, तो हम तो ये करते रहेंगे और जब तक हम रहेंगे तो, और साथ ही गजवाए हिंद की भी बात करते। भाई मैं तो आपको नहीं बता सकती, मैं आपको सिर्फ वो उनकी जुबान में बता देती, उन्होंने बातें की। मेरा तो सवाल सिर्फ ये होगा ज्यादा हामिद साहब, सर पाए ये जो है ना, ये देखिए ना, आपको भी ये नहीं पता कि आपको कि आप क्या क्या कुछ खाते रहे हैं, ये तो पीने की बात हो रही है ना, आप कह रहे हैं वो ये पीते हैं, आपको ये नहीं पता कि आप गधे भी खाते रहे हैं, कि वो तो पता नहीं क्या पीते हैं, आप जो बात कर रहे हैं पीते हैं या नहीं पीते, लेकिन आपने गधे जरूर खाए हैं, खोते तो उसी खाते रहे हो, और लाहौरियों ने तो बड़े गज बज के खोते खाए हैं, तो आपको क्या पता कि आपको जितनी मिलावट और जो कुछ होता है आपको क्या क्या खिलाया जा चुका हो अब तक, तानू तो है ही नहीं पता है जी। अच्छा दूसरी एक और बात, कि अगर वो ये पीते हैं या ऐसी कोई बात है, तो उनकी इकोनॉमी जहां पर है, उनकी तालीम जहां पर है, उनकी लिटरेसी रेट जहां पर है, और वो खुद जहां पर है इस वक्त, तो पाए तुसी भी यही कुछ पीना दिखाना शुरू कर दे, ये शायद ये कुछ ऐसा पीने से जो है वो अकल भी आ जाए है जी आपको, और फिर इसी के साथ हो सकता है हम मतलब इतने घटसाप में भी आ जाएं कि आप भी अपने मुल्क को वहां पर ले जाएं, ये देख लें आप। यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफुरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट, सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट आपको हम जलाते रहेंगे, एंड यू आर बर्निंग एंड आई एम लविंग इट, एंड वी विल ऑल होल पाकिस्तानी नेशन विल कंटिन्यू टू बर्न यू विद आवर एग्जिस्टेंस, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं कर सकेंगे, और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे, आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे, वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई, तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री, यू वर स्लेव, यू बिकम स्लेव आफ्टर गजवा हिंद वंस अगेन इंशाल्लाह। तो पाएं जिस गजवा हिंद की ये बात कर रहे हैं ना, वो देख लें गजवा हिंद में क्या हो रहा है।